Australopithecus afarensis, the first hominid. In 1925, Raymond Dart found in South Africa a fossil. 1925 में रेमोंड डार्ट ने फाउंड किया साउथ अफ्रीका में एक फॉसिल फाइंड किया. साउथ अफ्रीका में फाइंड किसने किया? रेमोंड डार्ट ने 1925 में. व्हाट इज़ नाउ रिगार्डेड एज द फर्स्ट होमोनॉइड? तो ऐसा क्या चीज़ रिगार्ड करती है एज अ फर्स्ट होमोनॉइड के जो उस फॉसिल में ऐसी क्या चीज़ रिगार्ड कर रही थी कि उसको फर्स्ट होमोनॉइड कहा जाए? इट वॉज नेम्ड ऑस्ट्रेलोपाइथिकस. तो जो फॉसिल उन्होंने उस टाइम पर फाइंड किया उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपाइथिकस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिस. ऑस्ट्रेलिस से वो फाइंड किया गया. ऑस्ट्रेलिस इज इक्वल टू साउथर्न एंड पाइथिकस इज इक्वल टू एप. सो इफ वी से इन एन अदर लैंग्वेज इन इजी लैंग्वेज वी कैन से द साउथर्न एप्स. साउथर्न एप्स है जिसको हम ये कहते हैं ऑस्ट्रेलोपाइथिकस. तो रेमोंड डार्ट ने फाउंड किया साउथ अफ्रीका में जो फॉसिल उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपाइथिकस. इसको हम साउथर्न ऑस्ट्रेलिस मीन साउथर्न एंड पैथिकस मीन ऐप होता है. ठीक है. इट शोड अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ ह्यूमन एंड ऐप लाइक करेक्टर्स. इस फॉसिल से वो जो फॉसिल उन्होंने देखा उससे ये क्यूरियस मिक्सचर था एक ह्यूमन का और ऐप का. ऐप और ह्यूमन ऐप इनका मिक्सचर लाइक एक करेक्टर था. जो ऑस्ट्रेलोपाइथिकस है वो ह्यूमन और ऐप का मिक्सचर करेक्टर था. स्कल रिजेंबल दैट ऑफ एन ऐप. जो स्कल खोपड़ी जो थी ऐप की, सॉरी ऐप की नहीं, उस ऑस्ट्रेलोपाइथिकस की, वो रिजेंबल करती थी ऐप से. बट क्रैनियल कैपेसिटी इज अबाउट 650 cc. लेकिन जो उसके अंदर की जो क्रैनियल कैपेसिटी थी, जो स्कल के अंदर क्रैनियल कैपेसिटी होती है, वो 650 cc के तक थी. Somewhat larger than gorilla. तो 650 cc जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो लार्जर है गोरिला से. आईब्रो रिजेस वेरी प्रोमिनेंट. आईब्रो रिजेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे ऑस्ट्रेलोपाइथिकस के, लेकिन ऐप से कम थे. इन्होंने पहले कहा स्कल ऐप से रिजेंबल करता है, लेकिन क्रैनियल कैपेसिटी उसके 650 cc है जो कि गोरिला से बहुत बड़ी है. कुछ संपट जो है ना लार्जर गोरिला से. तो उसके बाद कहा कि जो आईब्रो रिजेस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, लेकिन ऐप से ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है. डेंटिशन वॉज मोर लाइक ह्यूमंस. अब जो उसके डेंटिशंस थे वो ह्यूमन से ज़्यादा मैच कर रहे थे. कैनाइंस वर स्मॉलर देन ऐप्स. जो कैनाइंस जो हमारे टूथ में कैनाइन पोर्शन होता है वो ऐप से कम स्मॉलर थे. ठीक है. ऐप्स इतना स्मॉलर नहीं थे. ऐप्स से कैनाइंस वो स्मॉलर देन ऐप्स. तो ऐप्स के जो कैनाइन थे उससे उस ऑस्ट्रेलोपाइथिकस से कैनाइंस उसके ऐप्स के स्मॉल थे, लेकिन ह्यूमन से बड़े थे कैनाइंस. ड्यूरिंग पास्ट 75 ईयर्स हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटल रिमेन्स. अच्छा, तो अगर हम 75 ईयर्स पिछले जितने भी 75 ईयर्स हैं उसमें हंड्रेड ऑफ स्केलेटल रिमेन्स हैं ऑस्ट्रेलोपाइथिकस के, हैव बीन फाउंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका के डिफरेंट पार्ट्स में देखा जाए तो हंड्रेड स्केलेटल्स के जो हैं ऑस्ट्रेलोपाइथिकस के, इसके कुछ रिमेनिंग स्केलेटल्स हैं वो पाए जाते हैं अभी भी. बिटवीन 1974 एंड 1975 के दरमियान एक गोल्ड माइन 200 फॉसिलाइज्ड बोन्स जिसमें इंक्लूडिंग होती है फेमस होमिनिड फॉसिल. एक होमिनिड फॉसिल इंक्लूड होती है जिसका नाम है ल्यूसी. एज इज पॉपुलर इन लिटरेचर. ये जो ल्यूसी है ये लिटरेचर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. क्या कह रहे हैं? वॉज अनअर्थ्ड इन इथोपिया. अच्छा जी, वो अनअर्थ थी इथोपिया में. 1974 और 1975 के दरमियान में एक गोल्ड माइन था 200 फॉसिलाइज्ड बोन्स का. एक टू गोल्ड माइन था जिसके अंदर फेमस होमिनिड फॉसिल्स आते हैं और एक नाम ल्यूसी भी है जो कि पॉपुलर है बहुत ज़्यादा लिटरेचर में, और वो अनअर्थ है इथोपिया में. जो फॉसिल्स का ग्रुप है उसका निक नेम है द फर्स्ट फैमिली. ये जो ग्रुप ऑफ फॉसिल्स है उसको निक नेम फर्स्ट फैमिली है. दिस ओल्डेस्ट नोन फॉसिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपाइथिकस. जो पुराने लोग थे वो उसको ऑस्ट्रेलोपाइथिकस के फॉसिल्स के नाम से जानते थे.
विच हैव यूजली बीन असाइन टू द स्पीशीज, जिसको आमतौर पर असाइन किया गया था इसकी स्पीशीज के लिए. ऑस्ट्रेलो पैथिकस अफरेंसिस एक स्पीशी है जो कि 3 मिलियन ईयर्स पुरानी है. एंड इट इज़ जनरली बिलीव दैट, और आमतौर पर यह भी यकीन किया जाता है कि जो स्पीशीज है मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल होमिनिड. तो ये जो स्पीशी है ये लाजमी तौर पर जो पुरानी या जो एंसेस्ट्रल होमिनिड है उसमें से ओरिजिनेट हुई भी है, जो 4 मिलियन साल पुरानी है. ठीक है. ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफरेंसिस बिकम एक्सटिंक्ट. जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफरेंसिस है वो 3 मिलियन पहले, 3 मिलियन साल पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हुई है. व्हाट हैपेंड आफ्टर ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफरेंसिस डिसअपीयर फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड इज नॉट येट क्लियर. क्या होता, व्हाट हैपेंड, क्या होता अगर ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफरेंसिस डिसअपीयर हो जाती फॉसिल से उसके बाद, इज नॉट येट क्लियर, रिकॉर्ड इज नॉट येट क्लियर. तो फिर वो इतना क्लियर ना होता रिकॉर्ड हमारा. व्हाट द फॉसिल रिकॉर्ड कलेक्टेड, फॉसिल रिकॉर्ड ने क्या कलेक्ट किया ओवर द पिछले 20 सालों में. फॉसिल रिकॉर्ड ने जो कलेक्ट किया है मेक्स क्लियर इज दैट द अर्ली ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफरेंसिस पॉपुलेशन डाइवर्सिफाइड एंड स्प्लिट इनटू 4 ब्रांचेस दैट लिव्ड कॉन्टेम्प्रेरियसली इन साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका फॉर एटलीस्ट 1 मिलियन ईयर्स अगो. ये कह रहे हैं कि जो फॉसिल रिकॉर्ड कलेक्ट हुआ था 20 साल पहले उसने ये क्लियर कर लिया कि जो पुराने थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफरेंसिस पॉपुलेशन वो डाइवर्सिफाई हो गई और स्प्लिट हो गई 4 ब्रांचेस में, जो कि कॉन्टेम्प्रेरियसली साउथ और ईस्ट अफ्रीका में एटलीस्ट 1 मिलियन साल पहले से वो रह रही है. ऑफ दीज 4 ब्रांचेस 1 ब्रांच इवॉल्व इन टू द जेनस. अच्छा, इन सारी 4 ब्रांचेस में से एक ब्रांच जो है वो इवॉल्व हुई है जेनस होमो हैबिलिस में. होमो हैबिलिस फाइनली टू मॉडर्न ह्यूमंस. होमो हैबिलिस का मतलब होता है कि इट इज़ अ फाइनली टू मॉडर्न ह्यूमंस में ये चीज़ कन्वर्ट हो गई है. और जो बाकी की 3 ब्रांचेस हैं वो डेवलप हुई हैं ऑस्ट्रेलोपाइथेसिन स्पीशीज, नेमली ऑस्ट्रेलोपाइथेसिन अफ्रीकेनस. अच्छा, उससे पहले मैं अफरेंसिस पढ़ रही थी. इट इज़ अ फुल नेम ऑफ ओथालो ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफरेंसिस. और जो उसमें से 4 ब्रांचेस में ये डिवाइड हुई हैं, एक होमो हैबिलिस है जो कि मॉडर्न ह्यूमंस बन गया है, और जो बाकी की 3 ब्रांचेस डेवलप हुई हैं वो ऑस्ट्रेलोपैथेसिन स्पीशीज, जो ओथालो ऑस्ट्रेलोपैथेसिन अफ्रीकेनस, ओथालो ऑस्ट्रेलोपैथेसिन रोबस्टस एंड ऑस्ट्रेलोपैथेसिन बोसी. द ऑस्ट्रेलोपैथेसिन अफ्रीकेनस हैड अ मोर डेलिकेट फॉर्म. इसकी बहुत ज़्यादा नाजुक किस्म थी. क्रेनियम इसका डिस्टिंग्विश था लार्ज गोरिल्ला से, लाइक क्रेस्ट ऑन इट्स स्कल, किसी स्कल पर कोई क्रेस्ट कोई लेयर आई हुई है, एंड अ ग्रेटर हाइट थी इसकी. द ऑस्ट्रेलोपैथेसिन बॉयस्टन डिफर करता था ये ऑस्ट्रेलोरोबस्टस से, इज बीइंग स्मॉलर इन साइज, ये साइज में कम था. All the 3 ऑस्ट्रेलोपैथेसिन species were apparently fully bipedal. अब जो 3 species है इसके हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं, अफ्रीकेनस, रोबस्टस और बोसी, ये सारे के सारे अब ज़ाहरी तौर पर तो ये bipedal थी. दो ही पाँव थे इनके. Though their stance may not have been as upright as that of modern man, लेकिन हुआ क्या कि इनकी इतनी एबिलिटी नहीं थी कि एक मॉडर्न मैन की तरह ये इसको अब कंटिन्यू कर सकते हो अपने आप को. दे वर ऐप लाइक ये ऐप के जैसे थे, इनके लार्ज शोज थे, इनका फोरहेड नहीं था, इनके चिन नहीं थे, इनके आर्म्स बड़ी बड़ी थी. क्रैनियल कैपेसिटी जो रेंज थी वो 450 cc से 650 cc तक थी, और जो मोलर्स थे वो भी बहुत बड़े थे. ऑल दीज 3 species, तो ये जितनी भी 3 species थे इवेंचुअली बिकम एक्सटिंक्ट हो गई थी 1.6 मिलियन ईयर्स अगो, पहले ही ये एक्सटिंक्ट हो गई थी. तो इसमें हमने जो सारा कुछ पढ़ा, फर्स्ट में हमें जो बताया गया कि रेमो डार्ट था, उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक फॉसिल फाउंड किया, और उस फॉसिल का नाम ये कंसिडर किया जाता था कि ऐसा क्या रिगार्ड कर रहा है उस होमोनॉइड के साथ कि उसको हम होमोनिड कह सकें. तो उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपैथिकस. ऑस्ट्रेलोपैथिकस से अब हमें ये चीज़ समझ आ गई है कि
जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस डिवाइड किया था अपने आगे फोर ब्रांचेस में, उसमें एक ब्रांच आई थी होमो हैबिलिस, वो मॉडर्न मैन से कंसिडर किया जा रहा था। बाकी की थ्री ब्रांचेस जो आई थी वो एक्सटिंक्ट कर दी थी क्योंकि उसमें एपले करेक्टर्स ज़्यादा थे, ह्यूमसल करेक्टर्स कम थे। जबकि होमो हैबिलिस के बारे में इन्होंने हमें करेक्टर्स नहीं बताया, लेकिन वो मॉडर्न मैन की तरह कंसिडर कर दी थी, इस मीन्स कि उसमें ह्यूमसल करेक्टर्स ज़्यादा होंगे। तो इसलिए उसको जो फॉसिल हमें ऑस्ट्रेलोपैथिकस का उस साउथ अफ्रीका में जो 1995 में रेमोंड डार्टफोर्ड को मिला, इसलिए उसको हम फर्स्ट होमिनिड कंसीडर करते हैं। तो ये स्टार्ट में फिर इन्होंने यह बताया कि ये जो मिला उसका हमें ह्यूमन एंड एप्रे करेक्टर मिक्सचर मिला था, उसका रिजेंबल करता था ऐप के साथ क्रैनियल कैपेसिटी उसकी कम ज़्यादा थी, समोट लार्जर थी गोरिल्ला, लार्जर थी उसकी कैपेसिटी गोरिल्ला से ज़्यादा थी। आईब्रोज जो थी वो प्रोमिनेंट थी लेकिन ऐप से कम थी। डेंटेशन जो थे ह्यूमन्स की तरह थे, कैनाइंस ऐप से कम थे और लार्जर थे ह्यूमन से। पिछले 75 ईयर्स में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हमें कुछ स्केलेटन्स मिले थे डिफरेंट एशिया और अफ्रीका के डिफरेंट पार्ट्स में। 1974-1975 में गोल्ड माइन था, 200 फॉसिलाइज्ड बोन्स का गोल्ड माइन था, जिसमें हमारे पास एक फेमस होमिनिड फॉसिल ल्यूसी था जो कि इथोपिया में अनअर्थ था। तो ये जो ग्रुप का फॉसिल था उसका निक नेम था फर्स्ट फैमिली। ये ओल्डेस्ट लोग इसको इस तरह से जानते थे कि ये फॉसिल्स हैं, ये जो फर्स्ट फैमिली है, ये जो ल्यूसी है, ल्यूसी इसका पॉपुलर है लिटरेचर में नाम, इसका निक नेम फर्स्ट फैमिली है। और पुराने के लोग फॉसिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जानते थे, जिसको यूजली असाइन किया गया टू द स्पीशीज ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस के नाम से अब इसको असाइन किया गया है, जो कि 3 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना है। और इसको जनरली बिलीव किया गया कि जो स्पीशीज़ हैं वो ओरिजिनेट हुई हुई हैं एंसेस्ट्रल होमिनिड से, एटलीस्ट 4 मिलियन साल पहले ही ये ओरिजिनेट हुई हुई है। तो इन्होंने फिर बताया कि जो अपीयरेंसेस बिकम एक्सटिंक्ट 3 मिलियन साल पहले ये एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है, 4 मिलियन साल पहले ये ओरिजिनेट हुई थी, 3 मिलियन साल पहले ये एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर डिसअपीयर, तो जब ये डिसअपीयर हो गई थी फॉसिल रिकॉर्ड से तो क्या हुआ, ये अब तक क्लियर नहीं है। व्हाट द फॉसिल रिकॉर्ड कलेक्टेड, जो फॉसिल रिकॉर्ड कलेक्टेड किया गया था पिछले 20 सालों में, उसने ये क्लियर किया है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस पॉपुलेशन थी वो डाइवर्सीफाई करेगी, स्प्लिट करेगी फोर ब्रांचेस में, जो कि कंटेम्प्रेरियसली साउथ ईस्ट अफ्रीका में रह रहे हैं पिछले 1 मिलियन साल से। और इन फोर ब्रांचेस में एक ब्रांच इवॉल्व हुई थी जेनस होमो हैबिलिस में, जो कि मॉडर्न ह्यूमन से मार्च करते थे। बाकी थ्री ब्रांचेस हम कंसिडर कर चुके हैं पहले ही सारी बातें, तो उन एक्सटिंक कर गई थी। और जो बाकी की थ्री थी वो अपेरेंटली तो बाइपेडल थी, लेकिन स्टैंस में नॉट हैव बीन अपराइट, तो वो इतना कोई अपराइट मॉडर्न मैन नहीं था। उनके वो ऐप लाइक ज़्यादा थे, उनके ऐप लाइक उनके जॉ लार्ज बोज थे, फोरहेड नहीं था, चिन नहीं थे, आर्म्स बड़े थे, क्रैनियल कैपेसिटी रेंज जो थी 450 cc से 650 cc तक थी, मोलर्स भी लार्ज थे। उसे तो ये सारी स्पीशीज एक्सटिंक कर गई थी 1.6 बिलियन ईयर्स अगो। सो इट्स ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, सो वी कंसिडर इट एज द फर्स्ट होमिनिड।